अभी लंच के लिए बनाएंगे हम सोयाबीन की सब्जी और राइस। राइस बन गया है और सोयाबीन की सिंपल सी झटपट बनने वाली सब्जी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, तो देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं। सोयाबीन मैंने उबाल के रखा हुआ है पानी में 10-15 मिनट, गर्म पानी में इसको उबाल के पानी इसका निकाल लिया है। और ये मैंने पीस के रखा है नॉर्मल प्याज लहसुन मिर्चा का पेस्ट, जो नॉर्मल सब सब्जी में लगता ही है। और यहाँ हो रहा है तेल गरम और इसमें हम फ्राई करेंगे सोयाबीन। सबसे पहले आप लोग को मेरी आवाज़ थोड़ी लो लग रही होगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो जस्ट इग्नोर इट। तो बनाते हैं हम सब्जी। तेल हो गया है गरम और इसमें हम डालेंगे सोयाबीन। अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल रेड रेड एकदम। सोयाबीन को अच्छे से बिल्कुल रेड करके फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसको निकाल लेंगे हम प्लेट में। फिर से हम तेल थोड़ा सा डाल के गरम कर लेते हैं। तेल हो गया है गरम और इसमें हम डालेंगे जीरा। अब इसमें डालेंगे मसाला। मसाला डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। हल्दी इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छे से तब तक फ्राई करना है जब तक बिल्कुल ये तेल ना छोड़ दे। प्याज भून गया है अच्छे से, तो अब इसमें हम डालेंगे सब्जी मसाला हल्का सा। अच्छे से फ्राई कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। मसाला भून गया हमारा अच्छे से, हम इसमें डालेंगे सोयाबीन को अच्छे से करेंगे मसाले में मिक्स और डालेंगे पानी। पानी डाल के इसको ढक के छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। यस बिल्कुल रेडी है।